हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बहुत दिन के बाद हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, लगभग 5-6 महीने के बाद। खैर, घर बन के रेडी हो गया है। देखिए, हम अभी सीढ़ी में बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं, और इधर भैया और मम्मी, हम अभी सलाह कर रहे हैं कि कौन सा कलर से अपना घर कलर कराएंगे। तो चलो चलते हैं बाहर। ये हो गया हमारा चापाकल। देखो पहले कितना ऊंचा में था, अभी कितना गड्ढा में चल गया है। 2 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ रहा है, और पहले बहुत ही ऊंचा में था। तो कुछ इस तरह देखने में लग रहा है पीछे से। पीछे का लुक कुछ इस तरह है। यहाँ चापाकल है, चापाकल थोड़ा गड्ढा में चल गया, पहले बहुत ही ज्यादा ऊंचा में था। ये हो गया गली और ये हो गया किचन। फिलहाल मम्मी यहाँ पे चूल्हा बना दी है, देखो, और थोड़ा काला काला भी हो गया अभी ही नया घर में। ये हो गया किचन और सीढ़ी घर अटैच है हमारा। यहाँ से देखो, यहाँ से सीढ़ी से चलते हैं, चलो ऊपर। रेलिंग अभी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे देखो बिछावन वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा पूरा किताब सीढ़ी में ही रखा हुआ है, सिलेंडर, मम्मी का चूल्हा, और इधर देखो। तो ये रहा हमारा छत, जो कि कुछ इतना लंबा हुआ है। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा छत। हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि हमारे घर में भी अब छत हो गया। और ये देखो, ये पंखा तो एकदम बेकार हो गया, पानी में रह रह के ख़राब हो गया। पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। और सामने से देखो, इधर सीढ़ी घर का लुक कुछ इस तरह है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकड़ी रख दिए हैं, जो कि हमारे घर से ही निकला था, पुराने वाला घर से। और पीछे का व्यू देखो, पूरा एकदम नेचर बहुत ही मस्त दिख रहा है। चलो चलते हैं नीचे सीढ़ी में। लेकिन रेलिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार, क्योंकि पकड़ के उतरना पड़ेगा ना, ऐसे डर लगता है उतरने में। खैर, यहीं हमारा किचन बनेगा। अभी फ़िलहाल चूल्हा में बन रहा है, गैस भी है, गैस में बनेगा। यहीं पे हमारा किचन और सीढ़ी घर जो कि है वो अटैच है, क्योंकि जगह का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ फ़िलहाल बहुत ही सामान रख दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा, जो कढ़ाई कुदाल वगैरह होता है। चलिए चलते हैं इधर। ये रहा फिर से गली। यहाँ पे है एक हॉल, देखिए यहाँ पे एक हॉल है, यहीं पे हम लोग बैठ के खाना पीना वगैरह खाएंगे। और यहाँ पे लगा है एक गेट, देखिए गेट भी लग गया है बिल्कुल मस्त लकड़ी का। और इधर हमारा बन गया है एक रूम, देखिए इधर से अभी हम आए थे इस गली से, देखिए स्वागत है। दरवाज़ा यहाँ भी लग गया है कुछ इस तरह का, देख लीजिए ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर हमारा मोबाइल चार्ज दिया हुआ है, यहाँ अचार का डब्बा। कुछ इस तरह रूम हमारा बना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा है और चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इतना छोटा है कि एक बेड भी नहीं लटेगा ना, बेड भी नहीं हटेगा। फिलहाल भैया का वीडियो यहीं पे शूट होता है। और यहाँ पे देख लो यार, एक ट्राइपोड आ गया है नया वाला, जो कि हम घर बनाते बनाते ले लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था इस वाले ट्राइपोड से। तो एक ट्राइपोड लिए हैं, जो कि आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे। और एक लिए हैं हम मिक्सी, यहाँ पे देख लो। हमारा घर लगभग बनने में 4 से 5 महीना लग गया। और इस बीच जो सिलवट होता है ना, जिसमें मसाला पीसा जाता है, वो वाला दब गया मिट्टी के अंदर। तो उसके लिए हम एक मिक्सी खरीद लिए थे, और खाना बनाने के लिए एक छोटा सा गैस चूल्हा, जो कि वो भी छज्जी के ऊपर रखा हुआ है, और एक ट्राइपोड। तो ये जो एक दो सामान है हमारे घर में नया आ गया, जिसको आप लोगों के साथ हम शेयर नहीं कर पाए थे। तो कुछ ये रहा रूम, इसके आगे बना है, यहाँ पे जो हॉल बना है एक, यहाँ पे खाना पीना हम बैठ के खा सकते हैं। और इसके आगे बना है एक दुकान के लिए रूम, दुकान बोल लो या फिर हमारा सोने का जगह बोल लो, क्या कि हमारे घर में जगह नहीं है। इस दीवार के पीछे आप देखे कि उसमें किचन था, ये तो रूम ही हो गया, यहाँ पे खाना खाने के लिए हो गया। इसके अलावे बेडरूम बोलो, दुकान बोलो, जो बोलना है बोलो, तो यही एक बना है। चलो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा, यहाँ पे हमारा बेड है, यहाँ पे हमारा काउंटर, यहाँ दरवाज़ा लग गया है, यहाँ शटर लगेगा, यहाँ पे कुर्सी रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमारा बन गया है। ऐसे भी हम पहले जो पुराना घर था ना, तो यहीं पे सोते थे, और अभी भी यहीं पे सोते हैं। तो कुछ इस तरह बना है। तो सामने से देखिए, रोड से हमारा घर कुछ इस तरह दिख रहा है, बिल्कुल पतला सा एकदम, थोड़ा ऊंचा में ही हम बनाए हैं, क्योंकि रोड बनेगा तो फिर बराबर हो जाएगा। और एक
एक बात दोस्तों, अभी हम रूम में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हम छज्जी बनवाए हैं एक, और मेरे पीछे देखिए एक छज्जी दो, और एक यहाँ पे हम हॉल में भी छज्जी बनवाए हैं। यहाँ देख लीजिए एक और इधर एक दो, तो दो दो छज्जी बनवा लिए हम हॉल में और रूम में, ताकि हम सामान वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि हमारा घर बहुत ही ज्यादा छोटा है ना, लगभग 8-8.5 फीट चौड़ा है, तो सामान कहाँ रखेंगे, तो छज्जी में चढ़ा के रख देंगे, तो इसके लिए हम छज्जी बनवा लिए हैं। और एक बात, हमारा घर में वायरिंग हो गया है, हम अंडरग्राउंड वायरिंग करवाए हैं। देखो अंडरग्राउंड वायरिंग कराए हैं, तो वायरिंग हो गया है, इसमें तार लग गया है, लेकिन बोर्ड और बल्ब वगैरह जो है वो नहीं लगा है। उसको हम सोच रहे हैं कि कलर कराएंगे, इसके बाद लगाएंगे, तो कलर भी एक दो दिन में करा लेंगे। खैर बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया घर बनाने में, लगभग 7 महीना हो गया, 7 महीना से हमारे घर में काम चल रहा है। खैर कंप्लीट हो गया है अब काम, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ना, लाइट लग जाएगा तो फिर बिल्कुल रोशनी दिखेगा। तो कुछ इस तरह बना है हमारा घर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और ऐसे हम पूजा भी दिखाएंगे आप लोगों को, और कलर करके भी दिखाएंगे आखिर कैसा हमारा घर दिखेगा, फिर से कलर करने के बाद कैसा लुक आएगा। और अब आपको रेगुलर ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा ही होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। साल में 12 महीना होता है ना, तो 1-2 महीना हम लोगों के लिए हर साल दुख भरा रहता था, सावन और भादो का महीना, जो कि अब कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एक भी बरसात नहीं होगा, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जो रात में यदि पानी पड़ा तो हम सो सके।